आज आप देख रहे हैं हमारा मलेशियन मजा का एपिसोड, यानी ऐसी रेसिपीज जो मजेदार हैं और मलेशिया से हैं। अब देखते हैं एक कंप्लीट मील जो दिखने में तो सूप जैसा लगता है लेकिन पीने में और खाने में बड़ा मजेदार है, टेस्टी है। लक्सा का नाम आपने सुना है, चलिए बनाते हैं लक्सा। ये चिकन, बोनलेस चिकन मैंने यहां पर लिया है और इसे पतले पतले स्ट्रिप्स में काटा हुआ है। अब थोड़ा सेसमी ऑयल, वैसे रिफाइंड ऑयल में बना सकते हैं, और ये चिकन, और ये जो चिकन है इसे तेज आंच पर हमने पकाना है, बहुत ज्यादा देर तक नहीं, थोड़ी देर तक। इसमें और क्या क्या डलता है लक्सा में वो मैं आपको बता देता हूं। ये नूडल्स तैयार करके रखे हुए हैं मैंने, तो आप नूडल्स इसमें डाल सकते हैं। वहां पर जो नूडल्स मैंने देखे हैं जो लक्सा में डालते हैं वो थोड़े मोटे वाले नूडल्स होते हैं, जो जापानी स्टाइल के, या वैसे हमारे यहाँ पर जो मोटी वाली स्पेगेटी मिलती है वो भी एकदम बढ़िया काम करेगी। ये चिकन तैयार, इसे निकाल लेते हैं और इसी बर्तन में थोड़ा सा तेल और अब ये पेस्ट इसमें डालते हैं। ये जो पेस्ट है इसमें है अदरक, लहसुन, छोटे वाले प्याज और लेमन ग्रास, ये चीजें हमने इस पेस्ट के अंदर डाली हैं। इसे भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पहले चिकन स्टॉक, और तीखा बनाने के लिए इसमें लाल मिर्च। अब इसमें डालते हैं थोड़ा करी पाउडर। जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पर भी हमारे खाने का काफी इन्फ्लुएंस है, तो काफी सारे हमारे मिलते जुलते मसाले उनके खाने में भी होते हैं, और यदि आप कुछ सब्जियां डालना चाहते हैं तो यहां पर स्नो पीज है मेरे पास, या बीन्स टाइप की कोई सब्जी डाल सकते हैं आप। चिकन स्टॉक इसके अंदर डालें। अब इसमें डालेंगे नमक, थोड़ा सा पेपर, इसे मिक्स कर लें। इसे सर्व करने के लिए ऐसे बड़ा बोल ले लें, और ये जो नूडल्स पकाए हुए हैं ये इसके अंदर डालें, क्योंकि चिकन वाला हमने बनाया है तो चिकन, और नींबू ले लेते हैं। हम नींबू काट कर थोड़ा सा रस इसके अंदर डालेंगे, वैसे तो बाद में ही डाला जाता है लेकिन मैं थोड़ा सा पहले डाल देता हूं, टेस्ट अच्छा आता है। अब इसके अंदर कोकोनट मिल्क और नींबू का रस, और अब ये जो कटा हुआ प्याज है, आप स्प्रिंग अनियन ले सकते हैं नहीं तो दूसरा प्याज, इसमें कुछ बीन स्प्राउट भी डाले जा सकते हैं चाहे तो, ये कटी हुई ककड़ी छिलके के साथ ही, इसके साथ कुछ धनिए के पत्ते और कुछ पुदीने के पत्ते, और अब इस तरह से, और इसके साथ में नींबू इसमें रख के ऐसे ही सर्व कर दें। जैसे जैसे आप इसको खाते जाएंगे नए नए टेस्ट मिलते जाएंगे, जो ग्रेवी है सूप जैसी ग्रेवी है और उसके साथ इसमें नूडल्स हैं, चिकन है, बहुत सारी चीजें हैं, खा के देखिए बहुत मजा आएगा। मैंने तो वहां पर ये इतनी बार खाया कि यहां पर आने के बाद में रोज रोज घर में हमारे ये बनता है, बहुत पसंद आता है, आप भी बना के देखें। चिकन लक्सा के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम बोनलेस चिकन के पीसेस, 3 बड़े चम्मच तिल का तेल, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 4 कलियां लहसुन की, 2 डंडियां लेमन ग्रास की, 4 छोटे प्याज, 3 कप चिकन स्टॉक, 2 लाल मिर्च स्लाइस की हुई, 1 छोटा चम्मच करी पाउडर, 100 ग्राम कटी हुई स्नो पीज या बीन्स, नमक स्वाद अनुसार, व्हाइट पेपर पाउडर स्वाद अनुसार, 1 कप उबले हुए नूडल्स, 3 प्याज श्रेड की हुई, 1 खीरा स्लाइस किया हुआ, थोड़े से धनिया के पत्ते, थोड़े से पुदीने के पत्ते, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस और आधा कप कोकोनट मिल्क। इसे पकाने के लिए आप सबसे पहले चिकन के पीसेस को लंबा काट लें और उसको एक पैन में 2 बड़े चम्मच तिल का तेल गरम करके इसे फ्राई कर लें। अब एक पैन में तेल लेकर
अदरक, लहसुन, लेमन ग्रास और छोटी प्याज की पेस्ट को डालकर कुछ देर तक भूनें। इसमें चिकन का स्टॉक, लाल मिर्च स्लाइस की हुई डालकर कुछ देर तक पकाएं। अब करी पाउडर, कटी हुई स्नो पीस, चिकन स्टॉक, नमक और पेपर पाउडर डालकर थोड़ा और पकाएं। इसके बाद इसमें नारियल का दूध और नींबू का रस डालकर इसे उबाल लें। इसे सर्व करने के लिए एक सर्विंग बोल में उबले हुए नूडल्स, चिकन के पीसेस, श्रेड किया हुआ हरा प्याज, स्लाइस किया हुआ खीरा, धनिया के पत्ते, पुदीने के पत्ते डालकर ऊपर से पके हुए सूप को डालें और इसमें नींबू रखकर इसे गार्निश करके सर्व करें।